साझेदारी लेनी होगी। ये खराब शुरुआत, इससे पिछली गेंद में आपने विकेट ली थी, डाउन द लेग थी और 4 रन मिलेंगे यहाँ। इस बार कदमों का प्रयोग किया था, ये बेहतर शॉट थी, पॉइंट के ऊपर से खेला, 4 रन अपने नाम किए। ये गेंद 4 रन देके तो गई तो शायद, लेकिन विश्वास भी देखे जाएगी बैटर को। पापले है ना इसकी हम बात कर रहे हैं। यहाँ पे फिर से उठा के खेला, बढ़िया टाइमिंग और मिलेंगे 6 रन। कमाल का संपर्क, गति का इस्तेमाल किया वहां पे। डीपी वर्ल्ड हर एक छक्के पे एक आपको किट देगी, ग्रासरूट क्रिकेट में यूएई में बहुत बड़ा मुहिम कर रही है ये, कितना नहीं उसके ऊपर काफी कुछ निर्भर करता है। इस बार थोड़ा सा लेंथ में कटौती की थी, छोटा किया, कोई गलती नहीं वहां बल्लेबाज की तरफ से। 4 रन इस 7 ओवर समा अभी भी लग सकता है क्योंकि उसका 4 रन, यहाँ चौका यहाँ भी लग गया है, चौका यहाँ भी लग गया है। इस चौके के साथ 45 पे पहुंच गया है नाइट राइडर का स्कोर के आने के लिए। बड़ा शॉट खेलने का प्रयास, कैप में है, 4 मिलेंगे। कौन से खिलाड़ी खेल रहे हैं, चलिए यहाँ भी लेट खेला है, फिर मिलेंगे 4 रन। गति का इस्तेमाल किया, प्लेसमेंट की दाद देनी पड़ेगी। को थोड़ा अलग किया और उसके बाद वो शॉट लगाया था। इस बार बहुत ही अच्छा शॉट, आवाज से ही मालूम हो गया सीधा जाएगा स्टैंड में। और 100 रन भी पूरे हुए इस छक्के के साथ। शॉट थी, थोड़ा छोटा किया था गेंद को, लेंथ को जल्दी भांप गए और पुल लगाया 6 के। एक बार फिर आगे गेंद थी, चौका मिलेगा क्योंकि मिड ऑफ अंदर है। 104/3 13 के बाद। बाहरी किनारा, रन आएंगे, थर्ड मैन अंदर, चौका यहां पर इस बार सैम हैन के लिए। चौका लीजिए, आउट तो मिला नहीं, चौका लीजिए, बढ़िया शॉट था। 138/3 16 के बाद। कड़क ये शॉट है, गैप में है, फील्डर के पास कोई मौका नहीं। ये ताकत थी इस चौके के चलते, 100 रन की वो साझेदारी भी हुई पूरी। और जगह पहले बना रही थी, इस बार संपर्क हुआ है, ऊंची है, दूरी मिली है, जी हाँ, आगे से नहीं तो इस बार पीछे से छक्का, रन आने से मतलब है। कमाल की है बल्लेबाजी, बदल के बल्लेबाजी करते हुए। पिछली गेंद पे कवर्स की दिशा जानते थे कि बॉलर कहाँ पे गेंद डालेगा, जो फील्ड की सजावट थी, एक कदम आगे चल रहे बॉलर से। आसान शॉट नहीं है, वो एंगल का बहुत अच्छी तरीके से इस्तेमाल किया वहां पे। वेलकम बाउंड्री, sky247.net Super4 इस मैच का। दिनों से ये बढ़िया शॉट है, 4 रन के लिए, सामने खेल दिया है। यहां बच सकता था चौका। इस बार पूरे के पूरे 6 मिलेंगे, बढ़िया शॉट था, धीरे किया था ये गेंद, ऐसा लगा था कि जैसे जाल में फंस गए, पर बल्ले पे बराबर लगा बॉल 6 रन के लिए। टीम ने क्योंकि फील्डर लॉन्ग ऑन में इसी वजह से लगाया है, क्योंकि गेंद जो है इनके ड्रिफ्ट करती है अंदर। पर जेक ओहो, एक के बाद एक बॉल डालोगे तो कहां डालोगे, पहला स्क्वायर लेग के ऊपर और बिल्कुल तीर के जरा सामने, 6 रन, हल्ला हल्ला मचा दिया है ग्राउंड में। ये देखिए थोड़ी आगे गेंद और इस बार बिल्कुल सामने, क्या कहेंगे साहब भाई, ये बॉडी वेट पोजीशनिंग देखिए कितनी लाजवाब। इस समय गुरबाज है स्ट्राइक पे, ओ ये दूसरा भी खिलाड़ी जबरदस्त है, पहले ही गेंद पर इस बार मिड विकेट के दिशा में एक और छक्का, वो भी बहुत बड़ा, ये भी कंटेंशन में आ सकता है। डीपी वर्ल्ड लॉन्गेस्ट सिक्स ऑफ द मैच, फ्रेजर ने लगाए तो इस बार गुरबाज की बारी थी, लेंथ गेंद इसको खींच दिया मिड विकेट की तरफ, बड़ा शॉट है, नापना पड़ेगा ये, 95 मीटर का छक्का है। कड़क शॉट और मिसफील्ड, इसके कारण और रन मिलेंगे, मिलेंगे 4 रन और, इसको रोकना चाहिए था, थोड़ा सा जो फील्डिंग का स्तर है इसको यहां पे उठाना पड़ेगा। पूरे सीजन जितने मुकाबले अभी तक खेले हैं, इस बार देखिए क्रॉस द लाइन गए, पर गैप में 4 रन और जोड़ लीजिए,
बैक टू बैक बाउंड्रीज आती हुई, तीव्र गति से रन आ रहे हैं यहाँ पे दुबई कैपिटल्स के लिए डालने में। यही है, ये अच्छा शॉट खेल दिया है वहां। ओ वन बाउंस, बॉल रोकनी चाहिए थी, जॉश लिटिल थे वहां मौजूद, चार रन मिलेगा अंत में। जोशुआ और थोड़ा सा ही काम वहां कर सके अफ्रीका, और जैसे ही आई वहां पर चौका जड़ दिया, फिर से वही लेंथ डिलीवरी, फिर से चौका मिलेगा, दूसरा लगातार चौका यहां पर सैम बिलिंग्स के बल्ले से, 10 के बाद 120 पर 3। जो सपोर्ट होना चाहिए था फील्डर्स का वो भी देखने को मिला नहीं है। हाँ, ये लाजवाब शॉट है यहाँ पर सैम बिलिंग्स का, स्कूप शॉट खेल दिया वो भी 6 रन के लिए। ओह गजब शॉट ये सैम बिलिंग्स, वाह जबरदस्त शॉट, ये देखिए कितनी जल्दी मूव किया था, वाह सुपर शॉट, बहुत बढ़िया। ये देखिए बहुत अंदर चले गए थे पहले ही, ऐसी लेंथ देखा पीछे है और खींच लिया पीछे की तरफ। हाँ यहाँ तो जगह ही जगह थी, और वही किया यहाँ पर सिकंदर रजा ने, ऊपर बॉल डाली थी मिड ऑफ ऊपर, आसानी से अंतिम गेंद पर चौका जड़ दिया यहाँ पर सिकंदर रजा ने। 20 आ गए इस ओवर में, 12 के बाद 148। क्योंकि कैच ऑफ द सीजन के लिए वो साइकिल है, लेकिन इस शॉट को आप क्या कहेंगे, एक बार नहीं इसको बार बार देखिए, क्योंकि मिड ऑफ खिलाड़ी मौजूद था, थोड़ा वाइडर था, उसको पूरा फायदा उठा के सीधा खेला, कमाउंड की दिशा से वो 4 रन अपने नाम किए, बहुत काम करने की जरूरत। चलिए रन ओवर मिलेंगे यहाँ पे, एक और चौका, बड़ा ओवर ये दुबई कैपिटल्स के लिए, 18 आए इस ओवर में, 177 पे 3। डेविड विली 8 रन चाहिए जिसमें से 4 तो तय हैं, गैप में खेला, ताकत थी, बाजू खोलने का मौका दिया, उसको कबूल किया सिकंदर रजा ने। 181 पर 5, ये पहली गेंद पर हो जाएगा, और ऐसा लगता है कि हो गया है, ये जो काम पिछली ओवर में हो नहीं पाया वो पहली गेंद पर वो काम अब पूरा हो गया। इसका मतलब है कि दुबई कैपिटल्स ने 5 विकेटों से ये मुकाबला जीत लिया है, एक बहुत ही शानदार जीत, सबसे बड़ा रन चेज इस मैदान पर सीजन 2 में देखने को मिला है आज के इस मैच।